से लोगों ने कही, कोई तो केवल दबाव बनाया जा रहा है भाइयों, देख लो इस आरक्षी पर। समझ लो उत्तराधिकारियों का आदेश है, साफ पालन करेंगे और हमें रिकॉर्ड दिया जाएगा। कोई सुनने वाला नहीं है इस विभाग में। यदि कप्तान साहब पहले ही सुन लिए होते तो यहाँ तक मुझे आने की आवश्यकता नहीं थी। कप्तान साहब ऐसे निकल के आए, मैंने चयन किया, मेरी साहब ये भोजन में से 5 रोटी आप खा लीजिए, 4 खा लीजिए, कम से कम तुम्हें ये तो पता चले कि आपके सिपाही 12 घंटा ड्यूटी करने के बाद में ये रोटियां खा रहे थे। जिसको यहाँ के आप कुत्ते को डाल दीजिए, क्या आपके बेटी बेटा बेटी खा सकते हैं? मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूँ बस, यदि आज ये यूपी भी हिन्दुस्तान में मानवता जिंदी है तो बता दीजिए इस उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षियों को तब दबाते जा रहे हैं। कोई सुनने वाला नहीं। मैं सुबह से भूखा हूँ, मैं किससे कह दूं? या मेरे बाप आप छोड़िए, इतने पर भी मुझे धमकी दी जा रही आ रही मोदी द्वारा, कर्णा द्वारा, मैच मैनेजर द्वारा कि तुझे बर्खास्त करके छोड़ेंगे, ताली को तुझे करके जनता में चला गया। आप बताइए कि मेरे साथ जात की हो रही है महोदय की नहीं हो रही है? ये वीडियो माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के डीजीपी महोदय को फोन किया, डीजीपी महोदय के पीएसओ ने मुझसे कहा फोन काट दो, बंदा बर्खास्त करा के घर भेज दूंगा। मैं डीजीपी का पीएसओ बोल रहा हूँ, एडीजी आ गया साहब को फोन किया लेकिन मेरा फोन नहीं उठाया। आप बताइए मैं किसके बीच में अपनी समस्या लेके जाऊँ जब मेरे अधिकार